तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर गुप्ता, आपका अपने YouTube चैनल धांसू फंडा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा रूस की ऑस्कर क्लास की परमाणु पनडुब्बी कुर्स्क और उस पर सवार 113 कर्मी दलों की, जो अपनी कर्तव्य परायणता के लिए देश पर बलिदान हो गए। कुर्स्क एक समुद्री अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हालांकि इस दुर्घटना में सोवियत संकाल की असंवेदनशीलता और अमानवीय व्यवहार की परछाई मौजूद थी। शनिवार 12 अगस्त सन 2000 दिन के 11:20, यह उस समय उस इलाके के गर्मियों के दिन थे, लेकिन फिर भी मौसम खराब था और बर्फ गिर रही थी। तल से लगभग 100 फुट नीचे परमाणु पनडुब्बी कुर्स्क, जिसकी लंबाई 505 फुट और विस्थापित वजन 16,000 टन था, रूस के अपने समय के सबसे बड़े नेवल अभ्यास में अपने ठीक ऊपर तैर रही क्रूजर पोत पीटर वेल्की पर नकली हमला करने को तैयार थी। पनडुब्बी के अगले भाग में मौजूद 10 टॉर्पीडो ट्यूब में से ट्यूब नंबर 4 में कर्मी दल ने बिना वारहेड वाली डमी टॉर्पीडो को लोड करना शुरू कर दिया। यह शीत युद्ध का दौर था और रूस और अमेरिका के बीच अविश्वास की गहरी खाई थी। अमेरिका ने इस युद्धाभ्यास पर नजर रखने के लिए अपनी एक पनडुब्बी मेम्फिस को इस इलाके के आसपास ही तैनात कर रखा था। 11:29 पर मेम्फिस ने एक विस्फोट को रिकॉर्ड किया। 250 किलोमीटर दूर नॉर्वे के तट पर लगे भूकंप नापने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ ने रिक्टर स्केल पर 1.5 तीव्रता का झटका रिकॉर्ड किया। यह विस्फोट था डमी टॉर्पीडो के ऑक्सीजन जनरेटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और टॉर्पीडो के ईंधन केरोसिन के लीक होने और उसके मिल जाने के बाद हुआ। इस विस्फोट के ठीक 2:45 के बाद मेम्फिस के रडार पर इस विस्फोट से 250 गुना बड़ा विस्फोट रिकॉर्ड हुआ। नॉर्वे में मौजूद सिस्मोग्राफ ने रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 रिकॉर्ड की। कुर्स्क के टॉर्पीडो संख्या 6, 7, 8, 9, 10 में रखे लाइव वारहेड वाले टॉर्पीडो में विस्फोट हो गया था। पनडुब्बी के आगे का हिस्सा और कंट्रोल सेक्शन के चीथड़े उड़ गए थे। इसमें मौजूद कमांडर सहित 90 कर्मी दल तुरंत मारे गए। कुर्स्क बेजान होकर 353 फीट नीचे तल पे जाके टिक गई। लेकिन विस्फोट होने के बाद भी दोनों परमाणु रिएक्टर और उसके ऑपरेटर सुरक्षित बने रहे। रिएक्टर चैम्बर में तेजी से पानी भर रहा था। दोनों ऑपरेटर ने फुर्ती दिखाते हुए रिएक्टर को शटडाउन कर दिया और एक बहुत बड़ी त्रासदी होने से बची। यह पनडुब्बी सील हो जाने वाले 9 अलग अलग भागों में बटी हुई थी। विस्फोट होने के कारण आगे का 4 भाग तो बिल्कुल ही उड़ गया था। चैम्बर संख्या 5 से 8 तक समुद्र के भारी दबाव के कारण पानी तेजी से भर रहा था। केवल आखिरी 9 नंबर का चैम्बर ही सुरक्षित था, जिसमें बचे हुए 23 कर्मी दल ने पनाह ले ली और कभी न मिलने वाली मदद का इंतजार करने लगे। ऊपर तल पर मौजूद क्रूजर शिप पीटर वेल्की के कप्तान पोपो ने भी शॉकवेव को महसूस किया, लेकिन उन्होंने इस विस्फोट के शॉकवेव को युद्धाभ्यास में होने वाले विस्फोट समझकर नजरअंदाज कर दिया। दोपहर 1:30 तक जब उनका कोई संपर्क कुर्स्क से नहीं हो सका तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना अपने नॉर्दर्न कमांड को दी और बचाव दल और खोज के लिए हेलीकॉप्टरों को भेज दिया। लेकिन शाम 6 तक नॉर्दर्न कमांड भी लापरवाह बनी रही। शाम 6 के बाद उन्हें भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी। रूस के पास एक ऐसी छोटी सबमरीन थी जो कुर्स्क के हैच से जुड़ सकती थी और उस रास्ते कर्मी दल को निकाला जा सकता था। दूसरे दिन 13 अगस्त को इस छोटी पनडुब्बी को कुर्स्क के ऊपर उतारा गया, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की आर्थिक शक्ति इतनी कमजोर हो गई थी कि अपनी बड़ी नेवी के एसेट्स को मेंटेनेंस ही नहीं कर सकती थी। कुर्स्क के 150 फीट ऊपर ही इस छोटी सबमरीन की बैटरी खराब हो गई। एक दूसरा बचाव अभियान शुरू करके इस छोटी सबमरीन के क्रू मेंबर्स को बचाया गया। इसका मतलब यह है कि दुर्घटना के 2 दिनों बाद तक बचाव कार्य शुरू ही नहीं हो सका। रूस की सरकार अभी तक जनता को कोई सच नहीं बता रही थी। उन्हें यह बताया जा रहा था
कि दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी से संपर्क हो चुका है और क्रू मेंबर्स को खाने और ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। दुख इस बात का है कि नए बने राष्ट्रपति पुतिन को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। वे किसी टापू पर छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन अमेरिका को सारी जानकारी थी। उसने रूस के रक्षा मंत्रालय को मदद की पेशकश की। शीत युद्ध के दौर में अपनी क्षमता के अहंकार में डूबे रूस ने मदद लेने से इनकार कर दिया। इधर नॉर्वे और ब्रिटेन की संयुक्त कंपनी, जो कि समुद्रों के तल के ऊपर केवल बिछाती थी, उसके पास एक ऐसी कैप्सूल टेक्नोलॉजी थी जिसके सहारे वे गोताखोरों को गहरे समुद्र में उतार कर कैप्सूल के सहारे कर्मी दल को बचा सकती थी। अपने पूरे साजो सामान के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन रूसी सेना के अधिकारियों ने उसे डूबे हुए कुर्स्क के पास जाने नहीं दिया। पूरी टीम वहां रुककर रूसी सरकार को मदद ले लेने की गुहार लगाती रही। यह कैसी विडंबना थी कि ये लोग ऐसे लोग की मदद को व्याकुल थे जिनको वो जानते नहीं थे, लेकिन जिनके अपने थे वो बचाने वाले की राह में चट्टान की तरह खड़े थे। मानवीय व्यवहार का यह पहलू हृदय विदारक था। पश्चिमी मीडिया से छन छन कर आ रही खबरों ने रूसी जनता में आक्रोश भरना शुरू कर दिया। सोवियत संकाल से ही दबी हुई जनता का विरोध सड़कों पर आने लगा। रूस की सरकार ने मजबूर होकर घटना के सातवें दिन इस टीम को इजाजत दे दी। इस टीम के गोताखोर घंटे भर के अंदर ही कुर्स्क के पास पहुंच गए। निर्धारित मानकों के अनुसार हथौड़े से इसकी बॉडी को ठोक कर कर्मी दलों को सिग्नल दिया गया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दूसरा कोई रास्ता न देख गोताखोरों ने एंट्री हैच काटने का निर्णय लिया। 3 घंटे की मेहनत के बाद हैच खोला गया। पूरी पनडुब्बी में पानी भर गया था। अंदर किसी के जिंदा बचे रहने की संभावना न के बराबर। भारी मन से गोताखोरों का दल ऊपर लौट आया। दुर्घटना के 8वें दिन बचाव कार्य समाप्त कर दिए गए। नॉर्वे और ब्रिटेन का दल मृतकों को श्रद्धांजलि देकर वापस लौट गया। रूस की सरकार को अपनी जनता के सामने भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। रूस की सरकार को रूस की जनता का पनडुब्बी को ऊपर निकालकर पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने का भारी दबाव था। मजबूरन रूसी सरकार को हॉलैंड की एक कंपनी से कुर्स को बाहर निकालने का समझौता करना पड़ा। दुर्घटना के 14 महीने के अंदर ही 8 अक्टूबर 2001 को कुर्स को बाहर निकाल लिया गया। सभी 113 कर्मी दल के पार्थिव शरीर मिल गए, जिनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। पनडुब्बी की पूरी जांच से पता चला कि बचे हुए 23 कर्मियों की मौत डूबने से नहीं बल्कि चैम्बर 9 के अंदर घटी एक दुर्घटना की वजह से हुई थी, जो कि कुर्स्क के डूबने के 6 घंटे बाद हुई थी। दरअसल पनडुब्बी में हवा को शुद्ध रखने के लिए पोटासियम सुपर ऑक्साइड युक्त स्क्रबर लगा होता है। यह पानी में तुरंत आग पकड़ लेता है। किसी कर्मी की गलती से इसका एक कार्ट्रिज फर्श पर फैले पानी में गिर गया। कुछ लोग तो आग से जलकर मर गए। बचे हुए लोग आग द्वारा ऑक्सीजन खत्म कर देने पर दम घुटकर मर गए। इस घटना ने पूरी दुनिया को दहला दिया। अगर इस पनडुब्बी में लगे किसी नाभिकीय रिएक्टर में विस्फोट हो जाता तो एक भयानक मानवीय त्रासदी आ जाती। पूरी दुनिया में इस वक्त लगभग 20,000 नाभिकीय हथियार है। सभी इसी तरह की दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। मानव जाति को खुद को डायनासोरों की तरह लुप्त होने से बचाने के लिए अपने आपसी अहंकार को छोड़ नाभिकीय हथियारों को खत्म करने का संकल्प लेना ही होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।